ये चुकंदर का पौधा है जो छत पे लगा हुआ है पोलोथीन में। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए मूली है और मूली हमने निकाल लिया है, फिर भी अभी काफ़ी सारे मूली हैं। ये सारे पोलोथीन में लगा हुआ है, पोलोथीन बैग में मिट्टी और गोबर का खाद भर के। देखिए मूली है, काफ़ी सारे मूली हमने निकाले ऐसे करके। पालक भी है, उधर गन्ना भी लगा रखा हूँ, और ये पालक बैगन का भी पौधा है, और इधर देखिए गाजर। ये गाजर भी अच्छा हो रखा है, अभी कुछ दिन बाद निकलेगा। ये भी थर्मोकोल के डब्बे में है। और देखिए धनिया पत्ता भी था, लेकिन अब धनिया पत्ते में फूल आ गए हैं काफ़ी, इसलिए इनको तोड़ना छोड़ दिया। मूली देखिए, मूली अच्छे अच्छे हो गए हैं, काफ़ी सारे मूली निकाल लिए। देखिए इसमें एक आलू का पौधा भी लगा रखा हूँ, बाकी मूली और निकल गए हैं, फिर भी थोड़ा बहुत अभी बच रहा है। और तो आप इस तरह से पोलोथीन बैग में मिट्टी खाद वगैरह डाल के छत के ऊपर भी थोड़ी बहुत बागवानी कर सकते हैं। पोलोथीन बैग में मूली का अच्छा ग्रोथ होता है, मूली अच्छा निकाल सकते हैं आप। और चुकंदर, चुकंदर भी बहुत अच्छा होता है पोलोथीन बैग में। हमने चुकंदर निकाले हैं, कुछ और हैं अभी, तो चुकंदर अच्छा होता है, आप उसको लगा सकते हैं इस तरह से। और गाजर, गाजर भी अच्छा होता है थर्मोकोल के डब्बे में। बस, थैंक यू।